कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 9.4 अध्ययन अनुक्रम तथा श्रेणी। प्रश्न तीसरा, 3×1^2 धन 5×2^2 धन 7×3^2 धन डैश डैश के n पदों तक योग ज्ञात कीजिए। मान लो tn, हम मान ले रहे, मान लो कि tn दी गई श्रेणी का n वां पद है। दी गई श्रेणी का कौन सा n वां पद है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दो प्रकार की श्रेणी है। ध्यान से देखो, हमारे पास है 3, 5, 7। पहली श्रेणी के पहले पहले पदों को देखें, 3, 5, 7 डैश डैश, और दूसरी श्रेणी है 1^2, 2^2, 3^2। इसमें भी कितने n पदों तक, इसमें भी कितने n पदों तक। तो अब इसका अगर हम n वा पद लिखे इस सीरीज का, तो हम में से सब जानते हैं क्या लिखते हैं हम। हमारे पास फार्मूले में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सीरीज का भी n वा पद लिखे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इस पूरे की घात दो है तो इसकी भी घात दो कर दी। अब देखिए, इस सीरीज का एनवा पद जब निकालेंगे हम, तो 3 धन n ऋण 1 प्रत्येक में कितने कितने का अंतर है, 2-2 का, वो सारो अंतर आ गया। a 1 है प्लस n माइनस 1 d प्रत्येक में 1-1 का अंतर है, पूरे की घात दो। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मान हमारे पास आएगा क्या, 3 + 2n - 2, और इसका हल आएगा 1 + n - 1 पूरे की घात दो। तो ये पहला मिला अपने को क्या, 2n + 1, और दूसरा मिला n स्क्वायर। ये कौन सा tn वा पद मिला, इसके कितने n पदों तक योगफल। जब इसके n पदों तक हम योगफल ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर ले। tn बराबर से n स्क्वायर का गुणा 2n में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2n क्यूब आ जाएगा प्लस n स्क्वायर। अब जब इसके n पदों तक का हम योगफल ज्ञात करेंगे, तो ये tn sn में चेंज हो जाएगा, 2 summation n³ + summation n²। हम में से सब किसकी वैल्यू 2n³ की, क्या समेशन n³ की वैल्यू को जानते हैं, वो कितनी, वो होगी n n+1/2² और दूसरी हम जानते किसकी, समेशन n² की वैल्यू को जानते हैं, वो कितनी होती है, वो n n+1 2n+1/6। इन मानों को हम यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसे इन मानों को हम प्रतिस्थापित करते, तो हमारे पास मान आएगा sn बराबरी से 2 समेशन n³, मतलब n n+1/2 क्या होल स्क्वायर प्लस समेशन n² इसकी वैल्यू n n+1 2n+1/6। अब हमारे पास n n+1/2 n n+1/2 दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों पदों से क्या कॉमन निकाल सकते, n n+1/2 को कॉमन निकाल सकते, क्योंकि यहाँ 2 है तो एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास ये जो sn बराबरी से आया क्या, n n+1/2 एक 2 से 2 होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक बचा था। अब बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, n n+1।
एन एन प्लस वन बाय टू को निकाल लिया तो यहाँ थ्री बचेगा, तो क्या बचा, यहाँ बचा टू एन प्लस वन बाय थ्री। इसको सॉल्व करेंगे अब हम एस एन बराबरी से एन एन प्लस वन बाय टू। अब हम यहाँ थ्री का मल्टीपल भी करेंगे और इसका हल भी करेंगे, एन एन स्क्वेयर, तो क्या हो गया एन स्क्वेयर इंटू थ्री, थ्री एन स्क्वेयर, क्या एन का थ्री से मल्टीपल, थ्री एन प्लस टू एन प्लस वन बाय कितना थ्री। मान देखिए हमारे पास आएगा इसके एन पदों का योगफल एन एन प्लस वन बाय दो तिया छः, और इसको लिख देंगे तो थ्री एन स्क्वेयर प्लस तीन और दो पाँच एन धन एक। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।